चलो देखते, चलो देखते, जहां क्वेश्चन कराना जिस दिन होगा हम बता देंगे। इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पता है ना क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं? इस एक्स एंड वाई एक्सिस को, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। दोनों परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करता है जिस पॉइंट पे, उसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन, ठीक है? और इस पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या, कैसा प्लेन बोलते हैं? तो कार्टेशियन प्लेन। जैसे देखो, जैसे देखो, समझो, जैसे मेरे पास ये प्लेन था, ठीक है? ये पूरा का पूरा एक प्लेन है। तो अब जैसे ही तुम इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डालोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डाला, तो क्या ये जो प्लेन अभी लाइनिंग खींचा हुआ है, इस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये प्लेन चार पार्ट में डिवाइड हो गया ना? एक प्लेन ये, दूसरा एक क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। तो इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं? सिर्फ इतने को, पूरे को मत बोल देना, इस पूरे प्लेन को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और इन दोनों लाइन को, ये दोनों लाइन क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है, ठीक है? क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? और जहां पे दोनों पॉइंट दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है? ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चलता है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव चलता है। और ये वाई एक्सिस होता है, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव चलता है और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव चलता है, ठीक है? उसी में फिर आता है क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है ये दोनों लाइन? चार क्वाड्रेंट में। फोर। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ये, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया ये, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसमें एक्स एक्सिस और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। सबको आता है ये चीज? यस सर। लोग जी जल्दी जल्दी बोलो, हाँ ना में जवाब दो, आता है ना ये सब? यस सर। बताते चलना जहां भी डाउट होगा, ठीक है? उसके बाद ये यहीं पे लिखा है, इन द फर्स्ट पार्ट इन बोथ कोऑर्डिनेट एफ सीसा एंड ऑर्डिनेट। एफ सीसा किसको बोलते हैं, एक्स वाले को या वाई वाले? एक्स वाले को क्या बोलते हैं? एफ सीसा। एंड वाई, वाई एक्सिस को, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है? ये याद होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है? क्लियर? यस सर, यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एफ सीसा। एंड वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है, ठीक है? ये डिस्टेंस और रूला है जो टेंथ में पढ़ना है, उसको हम अभी सीखेंगे। इसमें और क्या क्या जानना होता है? तो ये हो गया। तो एक ग्राफ पेपर पे, रुक जाओ, हम इसको ऐसा ग्राफ की तरह इसको कर दे रहे हैं। कहां से आता है? ठीक है, ध्यान देना इसमें ग्राफ पे कुछ कुछ चीज है, अपना पता होना चाहिए। चलो देखो,
तो ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग में दिक्कत नहीं होता है, कहाँ पे पॉजिटिव रहता है, किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव रहता है, इसमें दिक्कत नहीं है ना किसी को? नो सर, नो सर। चलो तो जैसे ये पॉइंट हमारा क्या कहला गया, ये हो जाता है ओरिजिन, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0.0 रहता है। अब हम इसको 0.1, ये 2, यहाँ पे 3, 1, 2, 3 ले लेते हैं, फिर उसी तरीके से 1, 2, ये -1, -2, -3 हो गया, ये 1, 2, और इसको ऊपर भेज दो, y हो गया, ये 3 हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो जाएगा और नीचे y डैश हो जाता है, ठीक है। तो एक दो चीज इसमें ध्यान रखना होता है, एक होता है कि ओरिजिन ये एक्सिस पे, जैसे ये x एक्सिस है, ये लाइन क्या x एक्सिस है ना, बताओ। तो x एक्सिस पे जितना भी पॉइंट लिखोगे उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमेशा। अच्छा ये ऑर्डर्ड पेयर पता है ना, ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y ही लिखते हैं ना हमेशा। बोलो पहले क्या लिखाता है, x कोऑर्डिनेट और उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखाता है। तो इस चीज में किसी को दिक्कत नहीं है, अगर पॉइंट प्लॉट करना है कर लोगे। ये तुम्हारा x एक्सिस है, तो तुमसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 रहता है, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x या y। कोऑर्डिनेट मतलब पता चल रहा है क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब पता है ना, अरे बोलेगा कोई? नो सर। जैसे 1.2 लिखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक पॉइंट P है 1.2, तो इसका मतलब बताओगे कोई? तो 1 x पे लाई करेगा और 2 y पे लाई करेगा। एक 1 x पे लाई करेगा एंड बी 2 y पे लाई करेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट का हिंदी मतलब पता है क्या होता है, या ऐसा समझो ना कि पॉइंट पी का पोजीशन या पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, बेसिकली किसी एक पॉइंट को एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करना। ये पॉइंट है पी 1.2, इसको क्या करना है हमको, इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करना। अच्छा अगर सिर्फ ये प्लेन दे दे इतना ही और बोलेंगे इस पे 1.2 रिप्रेजेंट करो, तो कर लोगे क्या बताओ, इस प्लेन पे है कि पॉसिबल है कि नहीं है बताओ। कहीं भी हम थोड़ी कर देंगे कि हम बोलेंगे ये 1.2 है, ऐसा हो सकता है कि हम बोलेंगे ये 0.1.2 है, ऐसा होगा क्या? नो सर, नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसी के लिए देखो एक पॉइंट को 2D, इसको 2D प्लेन बोलते हैं। कैसा प्लेन बोलते हैं, 2D प्लेन बोलते हैं। तो एक पॉइंट को प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है तो उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन करना होता है। क्या कैसा प्लेन होना चाहिए, कार्टेशियन प्लेन होना चाहिए। एक सिंपल प्लेन पे तुम पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, इसी प्लेन पे पॉइंट रिप्रेजेंट कर पाओगे क्या? ये बस एक प्लेन है, प्लेन पेपर जैसे समझो ना, ये बस एक क्या है, प्लेन पेपर है। तो आप एक प्लेन पेपर पे किसी पॉइंट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कैसा प्लेन चाहिए होगा, तो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कार्टेशियन प्लेन का जरूरत पड़ता है। और कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है, तो एक एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस से, ठीक है। तो वो जो पॉइंट का जो इंफॉर्मेशन तुमको पता चल रहा है, पॉइंट का जो लोकेशन है 1.2,
इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है. क्या है? पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है. तो अब तुम जैसे ही तुम एक कार्टेशियन प्लेन बना लिए तो अब तो तुम यहाँ पे आराम से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लोगे. 1, 2 कहाँ होगा? इस पॉइंट पे होगा ना? यस सर. बताओ. तो उस तुमने क्या किया, उस पॉइंट पी को अब प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये 1, 2 क्या था? इस पॉइंट पी का क्या था? कोऑर्डिनेट. और इसी में जो ये पहला होता है इसको क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर एब्सिसा बोलते हैं, या फिर एब्सिसा बोलते हैं. और जो ये टू है इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं. आया समझ में कुछ या नहीं आया? यस सर. तो हम तुमसे अब पूछे कि जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, तो क्या बोलोगे? एक्स एक्सिस पे इस लाइन पे कौन सा कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहेगा? वाई. वाई जीरो रहेगा ना, वाई का कुछ भी वैल्यू आएगा. इस पॉइंट का क्या लिखोगे कोऑर्डिनेट, बताओ जी? ये -1, 1, 0. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 0. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3, 0. ये लाइन को तुम आगे एक्सटेंड कर दो, कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट लिखो तो एक्स का कुछ आएगा लेकिन वाई तो जीरो ही रहेगा ना, बताओ? यस सर. चाहे तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में देखो, नेगेटिव डायरेक्शन में भी कोई भी पॉइंट लो, कोई भी एक्स के अलावा, एक्स तो कुछ ना कुछ मिलेगा. जैसे इसी पॉइंट को हमको प्लॉट करना है तो एक्स कुछ मिलेगा लेकिन वाई जीरो ही रहेगा ना, तो वाई मिलेगा कुछ? सर जीरो रहेगा. जीरो रहेगा. तो एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो रहता है? तो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, ठीक है? उसी तरीके से वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो रहता है? एक्स. एक्स कोऑर्डिनेट. तो लिख ये सब याद ध्यान में रखना. तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, या इसको दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट. क्या हो जाता है? ये जीरो हो जाता है. एंड वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट. वाई एक्सिस पे क्या होता है? आ रहा है समझ में इतना? यस सर. यस सर. तो वाई कोऑर्डिनेट पे, सॉरी वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, या इसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा बोलते हैं. ये जीरो हो जाता है. क्यों जीरो होता है तो समझो. देखो कैसे इसको हम बोल सकते हैं, एक पॉइंट को कैसे जनरली तुम प्लॉट कर सकते हो, फिर से हम एक बनाते हैं अलग से. इसमें आज बस तुमको समझना है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है ये कोऑर्डिनेट. तुमको नाइन्थ में लग रहा होगा कि बहुत छोटा सा है, कि अभी से लेकर के हर बार पढ़ना होता है, हर बार. चाहे तुम आगे चल के कोई भी फील्ड में जाओ, आर्किटेक्ट में जाओ या कहीं भी जाओ ना, इस चीज का तुमको जरूरत पढ़ना ही है, सियोर है, ठीक है? क्लियर. तो फटाफट इसको देख लेते हैं, कुछ कुछ चीज सीख लेना अच्छा रहेगा. अब जैसे देखो, फिर से हम क्या किए, प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिए और हम सबको नेमिंग कर देते हैं. ये हमारा एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा? वाई डैश हो गया.
ये हमारा जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या रहता है हमेशा, ओरिजिन का हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, जीरो कॉमा जीरो। अब देखो कैसे डिसाइड किए कि इस ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। चलो समझो इस चीज को, जैसे तुम हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, ओरिजिन पे खड़े हैं, हम क्या किए ओरिजिन से एक्स की ओर, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया एंड फाइव हो गया। तो हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे चार यूनिट बढ़े, कितना यूनिट, चार यूनिट। ये जो पॉइंट था पी था तो उसका एक्स कितना हो गया, चार हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। अब हम क्या किए इस पॉइंट पे आने के बाद, इस पॉइंट के आने के बाद ऊपर की ओर पांच यूनिट बढ़े, ऊपर कितना बढ़े, पांच नहीं दो ले लेते हैं, ऊपर की ओर दो यूनिट बढ़े, तो एक यहाँ पे और ये दो यहाँ पे, इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो अब हम बोलेंगे कि मेरा जो फाइनल पॉइंट था उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, फोर कॉमा टू। एक्स पे हम कितना भागे, फोर भागे, और वाई पे कितना भागे, वाई डायरेक्शन की ओर टू यूनिट भागे, तो ऐसे डिसाइड होता है, ठीक है। अब जैसे तुम, अब कोई बोलेगा नहीं सर हम इस पॉइंट से चलना शुरू किए, हमेशा ओरिजिन से मेजर किया जाता है, हमेशा पॉइंट का कहाँ से डायरेक्शन मेजर किया जाता है, ओरिजिन से। अब जैसे इस पॉइंट पे फिर से कोई है, वो क्या किया एक्स पे चला टू यूनिट, तो वो जिस पॉइंट पे अब पहुंचा, लेट से ए पॉइंट पे पहुंचा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, टू हो गया। लेकिन वो बोला हम एक्स से अब कहीं भी नहीं जाएंगे, ना ही वाई, हम वाई के डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं, तो क्या वाई कुछ होगा जीरो के अलावा, नो सर नहीं होगा ना। तो यही इसलिए होता है कि आप एक्स एक्सिस पे कुछ चले और वहीं पे आकर के रुक गया, वाई के डायरेक्शन में गया ही नहीं, तो क्या वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस आएगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा, ठीक है। इसलिए देखो ये ओरिजिन है, ना ही तुम यहाँ से राइट डायरेक्शन में गए, ना ही लेफ्ट में, ना ही ऊपर, ना ही नीचे, मतलब ना ही आप एक्स की तरफ बढ़े, तो ना ही एक्स की तरफ, जैसे ही नहीं बढ़े तो एक्स जीरो हो गया, और इस पॉइंट पे आप खड़े हो तो वाई की तरफ भी नहीं बढ़े तो वाई भी क्या हो गया, जीरो। बस तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कुछ आया समझ में, बाउंस मारा आया, यस सर, ठीक है। तो पॉइंट रिप्रेजेंट करना तो आई थिंक सबको आता ही होगा, जैसे हम बोलेंगे माइनस सेवन कॉमा फोर रिप्रेजेंट करो, तो माइनस सेवन कॉमा फोर पहले बताओ किस कोऑर्डिनेट में होगा, सो माइनस सेवन माइनस एक्स में हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स एक्सिस में, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना माइनस सेवन कॉमा फोर, तो माइनस सेवन कॉमा फोर इस क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो कर लेंगे रिप्रेजेंट, तो एक्स पे कितना चले हैं माइनस सेवन, तो अगर हम इसको वन ले टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पर आए, लेकिन क्या यहाँ पे आके रुके हैं, नहीं रुके हैं, यहाँ से हम फिर बाई के डायरेक्शन में कितना चल दिए हैं, चार, फोर, दो, तीन, चार, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट माइनस सेवन कॉमा फोर। जैसे तुम नहीं पढ़े थे, बचपन में पढ़े होगे कि हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, इससे चार किलोमीटर ईस्ट चले, तो इधर चार किलोमीटर चले, और फिर बोले कि यहाँ से तुम दो किलोमीटर नॉर्थ चल दिए, तो फाइनल पोजीशन तुम्हारा ये होगा ना, बोलो, yes। तो वो यही काम यहाँ पे हुआ कि हम एक्स एक्सिस पे सात सात यूनिट तक गए, लेकिन सात यूनिट चल के फिर रुके नहीं है, हम चार यूनिट फिर पॉजिटिव एक्स की, पॉजिटिव वाई की ओर चल दिए, तो फाइनल पोजिशन हमारा ओरिजिन से क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन से फाइनल पोजीशन। हमेशा पोजीशन कहाँ से देखा जाता है, कोई भी पूछेगा तो क्या बोलोगे, ओरिजिन, ओरिजिन से देखा जाता है, ठीक है। वो आगे पढ़ना है कैसे ओरिजिन से क्या होता है, बट अभी इतना जान, तो पॉइंट रिप्रेजेंट कर लोगे ना हर कोई, यस, ठीक है। एक्सिस पे जैसे माइनस टू कॉमा जीरो है, तो कौन ये
किस एक्सिस पे होगा, एक्स या वाई एक्सिस? एक्स 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 एक्सिस पे होगा, ठीक है। टू जीरो कॉमा माइनस टू हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बोल देना, हाँ ठीक है एक्स एक्सिस बोलना, या इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या नेगेटिव डायरेक्शन, या नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स है, पता होना चाहिए सबको, कोई दिक्कत नहीं है इन सब चीज में? नो सर, नो सर। ठीक है, तो देखो तुमको क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछेगा कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो यही बोल देगा कि एक पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, बस आज सुनना है तुम लोग को, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट टू है एंड वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट थ्री है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टू कॉमा थ्री हो जाएगा, डायरेक्टली बोलोगे? यस सर। दूसरा तुमसे ऐसे बोल देगा कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो जिसका एब्सिसा, जिसका एब्सिसा फोर है एंड ऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट फाइव है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? फोर कॉमा फाइव, फोर कॉमा फाइव लिखोगे। अब देखो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछने के अलावा इसमें और भी तुमसे पूछ देगा। अब जैसे समझो, ऐसे बोलेगा, ध्यान से समझना इसका, सोच समझ के जवाब देना, नहीं होगा तो हम बताएंगे। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ओ आर डी नेट ऑफ पॉइंट whose perpendicular distance, ये तीसरा तरीका हुआ क्वेश्चन पूछने का, whose perpendicular distance from x axis is 5 unit and perpendicular distance from y axis is 4 unit, कोई बताएगा? जैसे देखो बेसिकली इसमें भी क्या करना है, कोऑर्डिनेट ही लिखना है ना, जैसे इस क्वेश्चन में भी कोऑर्डिनेट लिखे तुम, जिसमें लेकिन डायरेक्टली दे दिया था कि एक्स कोऑर्डिनेट टू है, वाई कोऑर्डिनेट थ्री है, पॉइंट टू, इसमें भी तुम कोऑर्डिनेट ही लिखा, लेकिन यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख दिया, बस एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा लिख दिया और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट लिख दिया। इस क्वेश्चन में भी यही है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक होता है। तो बताओ कोई इस पार्टिकुलर पॉइंट का जो एक्स एक्सिस से पांच यूनिट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से चार यूनिट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4.5 की 5.4 5.4 4.5, कंफ्यूज नहीं होना है, पहला ही आंसर सही था। देखो कैसे, फिर से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, किसी को डाउट होगा तो इसमें पूछ। चलो देखो हम, ये एक यूनिट हो गया, ये दो यूनिट, ये तीन, ये चार और ये पांच, ये एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, पांच यूनिट, छह यूनिट, ये हमारा पॉइंट वाली। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस ये वाला लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर नीचे मेजर होगा या राइट एंड लेफ्ट मेजर होगा, बताओ कोई हमको? एक्स एक्सिस से पर, समझ रहे हो ना, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा आइदर ऊपर मेजर करोगे या नीचे मेजर करोगे, है ना, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उसका? 5 यूनिट है, बताओ, है ना? Yes, तो अब तुम लोग बताओ, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो तुम 5 यूनिट किधर चलोगे, ऊपर नीचे की ओर या दाएं बाएं की ओर?
ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाओगे ना, तो बेसिकली क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या हुआ कि आप एक्स एक्सिस पे कहाँ तक गए, सॉरी वाई एक्सिस पे 5 यूनिट तक गए। अब फिर क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 4 यूनिट, तो हम इस परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे पहुंच करके 4 यूनिट किधर भाग गए, एक्स एक्सिस पे, तो हम फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचे ना। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर तुमसे बोलेंगे लिखो तो क्या लिखोगे, 4.5। अच्छा 4 यूनिट, हम 5 यूनिट कर दी, इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 4.5 लिखोगे ना, कि 5.4 लिख दोगे, ये लिखेंगे ना। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। ठीक है, तो तुमसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तीनों तरीका समझ में आया। पहला क्या बोलेगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सीधा गिवन रहेगा। दूसरा तुमको बोल देगा एफ सीसा इतना है एंड ऑर्डिनेट इतना है। और तीसरा इस तरीके से कि एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है और वाई एक्सिस से 5 है। अब उल्टा हम बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस से 4 है यानी ऊपर की ओर और वाई एक्सिस से 5 है, तो 5.4 हो जाएगा। आया कुछ समझ में या बाउंस मारा यहाँ तक, बताओ? सर आ गया समझ में। आया ना? ठीक है, तो ये सब टर्म्स हमेशा ध्यान में रखना, इसमें हमेशा से 5 यूनिट बोला है, 5.4 लिखेंगे, नहीं एक्स एक्सिस से 5 यूनिट मेजर करना है तो तुम वाई डायरेक्शन में ना मेजर करोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो एक्स डायरेक्शन में ना मेजर करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे वो मेंशन कर देगा कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट या इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट, ऐसा लिख देगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आया या नहीं आया? सर आ गया समझ में। तो ये सब क्वेश्चन से थोड़ा वाकिफ हो जाना, पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, तो दिक्कत नहीं। चलो, तो बाकी तो इसमें तुमको बेसिक सा पॉइंट प्लॉट करना है, वो सब तो तुम लोग आराम से कर लोगे, उसमें झंझट नहीं होता है। तो एक एक क्वेश्चन बस ओरली ही डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, क्या कहलाता है ये? ओरिजिन। ओरिजिन, ये द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन इनकम्प्लीट। अच्छा हाँ देखो, तो द पॉइंट 2.3 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मेनी यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, सोच समझ के जवाब देना। 2 यूनिट गलत, फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला है मोहतरमा, एक्स एक्सिस से 2.3, जैसे 2.3 रिप्रेजेंट करो, 2.3 तो ये पॉइंट होगा ना, बोलो। yes, तो इसका एक्स एक्सिस से 2 यूनिट डिस्टेंस है कि 3 यूनिट डिस्टेंस है? 3 यूनिट्स, 3 यूनिट है ना, तो आंसर क्या होगा, 3 यूनिट। फिर द पॉइंट 3.2 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा, तो फिर से रिप्रेजेंट करो, हमको क्या है 3.2 है, 1, 2, 3 और 1 और 2, ये पॉइंट होगा 3.2। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करोगे तो 3 यूनिट हो जाएगा ना। yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें गलती होता है, सबसे गलती होता है जब भी डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है ना कि इस यूनिट से इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे, तो सब गलती ही बोलता है, बट आज के बाद तुम लोग नहीं करोगे। ठीक है, बाकी क्या है, द पॉइंट -3.2 बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, 2, -3 फोर्थ, 3.2 क्वाड्रेंट 1, -2, -3 थर्ड। द पॉइंट -2.0 नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस 0, -2
नेगेटिव वाई एक्सिस. नेगेटिव वाई एक्सिस. तो ये सब क्वेश्चन ऐसा ही है, बनाते चलना. आ रहा है सब कुछ समझ में? यस सर. बाकी ये सब डिस्टेंस फॉर्मूला पे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाएंगे, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला पे. दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ना होता है. अब फिर तुमको जैसे चार कोऑर्डिनेट दे दिया है, अब बताना इससे क्या बनेगा, रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस, तो उसके लिए हम फिर बता देंगे. ठीक है, डिटेल्स में पढ़ाएंगे इन सब चीज को. यहाँ पे ये ग्राफ देख करके बताना है सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट. कर लोगे? पॉइंट बी यहाँ पे है. यस सर. इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -5.2. पॉइंट बी कौन सा? ये वाला पॉइंट है. तो -5.2 लिख दोगे तो ये तो हो ही जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा. और ठीक है. कहीं दिक्कत है तो पूछो. अभी बेसिक्स था ये सारा, तुम्हारा चैप्टर का बेसिक्स था. ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन सब चीज में कंफ्यूज नहीं होना है. पूछ लो कहीं भी डाउट है तो. बोलो किसी को. नो सर. नो सर. नो सर. हाँ ठीक है, तो इस चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए. क्लियर? तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखना, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस चीज को हमेशा ध्यान में रखना. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करेंगे. नाइन्थ में आई थिंक बस इतना ही पढ़ना होगा. प्लॉटिंग करने आता है सबको? ग्राफ. यस सर. तो नाइन्थ के हिसाब से तो यार एक ही दिन में खत्म हो गया. रुका, हम इसके एनसीईआरटी भेजते हैं, देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा उसमें. चलो देख लेते हैं इसमें. स्कूल में हो गया होगा ना सब चैप्टर? तो आई थिंक एक ही दिन में खत्म हो गया होगा. सर 2 दिन लगा था क्योंकि आधा आधा घंटा का होता है, 40 मिनट का ना. अच्छा तो 40 मिनट. क्या क्वेश्चन है? हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लेंथ? A city has 2 main roads which cross each other at the center of the 2 roads are prolonged with its nine meter length. Street plan. This question thodi puchta hai. What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in a Cartesian plane? X is y. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? क्या होता है जी? Quadrant होता है ना? Quadrant. Write the name of the point where these two lines intersect. तो origin. फिर इसको उसको देख करके point का coordinate लिखना. लिख लोगे? Yes sir. Yes sir. इतना तो कुछ है नहीं, ऐसा हो जाएगा. इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई? ठीक है, और यहाँ पे इसको प्लॉट करना है. -2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2.8. नेक्स्ट -1.7. इसको प्लॉट कर लोगे ना? रहा इसको ढूंढना, तो कैसे ढूंढेगा? सबसे टफ यही सब हो जाता है, कहाँ पे ढूंढेंगे इस चीज को.
चलो ठीक है, तो आज यहीं पे एंड करते हैं। इसमें से ये सब पॉइंट एक बार रिकैप कर लो, समराइज यहीं से कर लेते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ पॉइंट इन अ प्लेन बी रिक्वायर अ टू परपेंडिकुलर लाइन वन ऑफ दो मेन रे। वही बात हम बोले थे ना कि एक प्लेन पे आप पॉइंट का पोजिशन डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, बोले थे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन से, जिसको क्या बोलते हैं। अब ये प्लेन क्या कहला जाएगा, कार्टेशियन प्लेन कहला जाएगा, ठीक है। द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइन आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इन दोनों लाइन को हम क्या बोले थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर डिवाइड, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट कॉल्ड ओरिजिन। अब ये सब देखो, अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बोले थे कंफ्यूजन होता था। देखो यहाँ क्लियर मेंशन किया है ना, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिस किया है कि नहीं। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस मीटर होता है वो क्या कहलाता है, कहलाता है या एब्सिसा कहलाता है। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर होता है वो डिस्टेंस मेजरिंग में हमेशा उल्टा चलेगा, ठीक है। फिर द एब्सिसा ऑफ पॉइंट एक्स इज, और इसको एक्स को एब्सिसा एंड वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस एक्स कॉमा जीरो एंड वाई एक्सिस से जीरो कॉमा वाई, और ये जीरो जीरो, और ये हो गया सारा चारों कोऑर्डिनेट का क्या पोजीशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वो हो गया। तो इसमें जो सबसे जरूरी पॉइंट है कौन सा लगा, तो वो पॉइंट नंबर आई थिंक सिक्स। इसको अपने दिमाग में एकदम बिठा के रख, चाहे यहाँ डिस्टेंस लिख लो या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लो, ठीक है। कुछ पूछना है आज के लेक्चर में तो पूछो, तुम्हारा क्लास नाइन का समाप्त इस चैप्टर से, बताओ। नो सर। नो सर। किसी को नहीं ना, तो ये चैप्टर नाइन का एनसीईआरटी से समाप्त हुआ। तो जिसको डाउट होगा वो तो पूछ लेना। थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग बुकलेट बनाओगे, बुकलेट में हम एक एक्सरसाइज तो आज ही खत्म कर दिए डिस्कस करके, उसके अलावा जो भी एक्सरसाइजेज होगा आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना बुकलेट और वहां से बना के रहा, ठीक है। और अभी भी हम बोल रहे हैं पिछला चैप्टर पे ज्यादा फोकस रहो, इस चैप्टर में उतना दम है नहीं, बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है। बेसिक्स में ही डाउट होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम क्या लिखते नहीं लिखते, बेसिक्स ही हार्ड होता है समझना। बाकी जब क्वेश्चन बनाओगे ना वहां पे, जैसे दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना तो उसके लिए आप थोड़ी उसको प्लॉटिंग करना होता है, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, वहां पे झंझट नहीं आता है। इसी बेसिक्स में दिक्कत होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दे दिया तो अब पता ही नहीं चलता उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे, एक को आगे बोल देते हैं तो पीछे बोल देते हैं, तो ये गलती से बस बच के रहना है। तो आज के पूरे लेक्चर में सीखने लायक दो तीन चीज था कि एक प्लेन पे पॉइंट को प्लॉट करना हार्ड काम है, लेकिन उस प्लेन पे पॉइंट को कब प्लॉट कर सकते हैं, जब हम उस प्लेन को क्या करें एज अ कार्टेशियन प्लेन की तरह ट्रीट करें, ठीक है। और फिर पॉइंट हमेशा ओरिजिन से देखा जाता है, वो सब आगे चल के सीखना है कि किसी भी पॉइंट का रेफरेंस कहाँ से लिया जाता है, ओरिजिन से लिया जाता है ना। जैसे हम बोले चार और पांच चले, तो तुम ओरिजिन से चार चले और उसके बाद पांच गए, तो उस पॉइंट का रेफरेंस कहाँ से था, ओरिजिन से था। तो ये सब बेसिक चीजें, सब चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्लास नाइन से चैप्टर एंड, कोई डाउट नहीं, हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, थोड़ा मोड़ा चीज है इसमें, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जरूरी चीज थोड़ा क्लास टेंथ का डिस्कशन होगा, तो उस क्लास को जरूर अच्छे से करना। बहुत आसान सा चैप्टर है, वहां पर फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होता उधर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, ओके।